22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सैकड़ों जगहों पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित करने का ऐलान किया है। सोमवार को आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसका ऐलान किया। अब आपके इस आयोजन पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता मनोज तिवारी ने आपके सुंदर कांड आयोजन पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को पता चल गया है कि उनका सनातन विरोधी चेहरा लोगों में चला गया है। इस दौरान मनोज तिवारी ने इंडिया पर भी निशाना साधा और सभी घटक दलों को सनातन विरोधी बताया है। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के सुंदर कांड आयोजन पर तंज कसते हुए कहा कि आप आयोजन कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कहीं इस आयोजन में भी घोटाला ना हो जाए। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां आम आदमी पार्टी लगभग 2600 जगहों पर सुंदरकांड का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है। दिल्ली में सुंदरकांड का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को 2600 जगहों पर किया जाएगा। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने सुंदरकांड आयोजन का ऐलान करते हुए ये भी बताया था कि आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड आयोजन के लिए बाकायदा संगठन बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले आप नेता और विधायक अपने स्तर पर इसका आयोजन करते थे, लेकिन अब ये बड़े स्तर पर किया जाएगा। दरअसल आपने ये घोषणा 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले की है। आप सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अभी तक औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। एक सूत्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री को कुछ दिन पहले एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि उन्हें एक औपचारिक निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा और वो उस दिन अपना कोई और कार्यक्रम नहीं रखें।